नॉलेज इन्फो में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मनीष कुमार गुप्ता, LIT मोटिवेशनल स्पीकर। आपको आज मैं कुछ नई जानकारी देने जा रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि RD हम कर लेते हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है, हमारे लिए ईजी होती है। तो RD का मतलब क्या है? तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि RD का एक फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि हर महीने हम एक निश्चित राशि, निश्चित डेट को हम उसको निकालते हैं, तो उसको ही हम लोग SIP बोलते हैं। SIP का भी एक फुल फॉर्म होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम किसी को भी, जो हमारी अगर किसी को लगता है किसी पॉलिसी होल्डर को कि वो पेमेंट हमारा इकट्ठे नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या होता है कि SIP मोड पे भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग RD भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो RD या SIP करीब करीब बात एक ही होती है, दोनों में पेमेंट हमारा मंथली की मोड पे चलता है। मंथली मोड के लिए हमें ECS माध्यम जाना पड़ता है। ECS माध्यम हमारा बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जहाँ पे हम एक नैश फॉर्म को भर के देते हैं और हमारा बैंक उसको ऑथोराइज करता है, और जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी का प्रीमियम सीधे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो उससे हमारे लिए इफ़ेक्ट इतना पड़ता है कि अगर सपोज़ेड अमूमन किसी का प्रीमियम एक 60,000 रुपये ईयरली आ रहा है और वो 60,000 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए होता है क्या है, मंथली मोड में हम लोग लगा देते हैं ताकि उसका प्रीमियम एक 5,000 रुपये मंथली हो जाता है। वो जो भी डेट चूज़ करता है, डेटें भी हमारे पास होती हैं, तो वो अगर जो डेट चूज़ कर लेता है तो उसी डेट पे उसकी इंस्टॉलमेंट जो 5,000 रुपये होती है हर महीने डेबिट होती रहती है। तो उससे होता ये है कि व्यक्ति के जो पूरा टोटल जो अमाउंट है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आराम से उस पैसे को निकाल सकता है रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू। लेकिन ये कोई भी पैसा कैश में नहीं जमा होता है, ये सारा हमारा नैश के माध्यम से ही चलता है, जिसको हम SIP बोल सकते हैं या RD को बोल सकते हैं। और पॉलिसी जो हमारी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही लेना ज़्यादा बेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी का कोई इफेक्ट हमारा ऐसा नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को भी हम नैश के थ्रू कर सकते हैं, जिससे हमारा एक प्रीमियम भी लगातार जा सकता है और हमारे मतलब जो हमारी सैलरी है या जो भी हमारा कॉर्पस है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और मंथली हमारा निकल जाता है। तो हमारा जो अमाउंट है वो एक ऐसा कॉर्पस जमा हो जाता है, प्लस हमारा बोनस मिलकर वो हमें जब लास्ट मिलता है तो ये हमारी सेविंग का ही फल होता है कि हमें एक बड़ा सा कॉर्पस मिलता है जिसका हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पॉलिसियाँ जनरली क्या होती है, लोग बच्चों के नाम लेते हैं या अपने रिटायरमेंट पर्पज़ से लेते हैं या अपने कोई उनका ड्रीम होता है तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो सारे फुलफिल होते हैं। तो उसको हम SIP के माध्यम से भी ले सकते हैं। पहले हमारी पॉलिसी कोई भी नैश के माध्यम से नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में हमारी नैश के माध्यम से पॉलिसी अवेलेबल है, जिसको हम RD के बेस पे बोल सकते हैं कि आप RD के बेस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।